सत श्री अकाल जी सारियां नूं। मैं कीर्ति फाजिलका आज फाजिलका वासियों से एक अपील करने आई हूं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 5 साल बाद फिर से आ चुके हैं। आपको फिर से वो मौका मिलने जा रहा है अपना कीमती वोट पोल करने का। तो आज मेरी अपील है सभी फाजिलका वासियों से कि अपना ये कीमती वोट सबसे अनुभवी प्रत्याशी जो हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी सुरजीत कुमार जी जानी को डालें, उन्हें विजयी बनाएं। इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं कि आप अपना वोट उन्हें क्यों पोल करेंगे। कहने को तो बहुत से ऐसे काम हैं जो चौधरी सुरजीत कुमार जी जानी ने बीजेपी की तरफ से फाजिलका के लिए किए हैं, लेकिन अगर मैं कुछ की यहाँ पे बात करना चाहूँ तो सबसे बड़ा जो इनका योगदान है वो है फाजिलका को जिला बनाने की देन। फाजिलका को जिला बनाने में जानी साहब का एक बहुत बड़ा योगदान है, और जिला बनाने से हुआ ये है कि छोटे छोटे कामों के लिए शहर वासियों को, गांव वासियों को फिरोजपुर जाना पड़ता था, वो सारे काम आज फाजिलका से होते हैं। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये वही फाजिलका है जहां पे एक माँ लाचार होती थी क्योंकि उसके बेटे को किसी और शहर में रेफर कर दिया जाता था और उसके पास कोई चारा नहीं होता था अपने बेटे को मरते हुए देखने के अलावा कुछ और करने का, क्योंकि हर कोई इतना सक्षम नहीं होता कि वो किसी और शहर में जाके अपना या अपने परिवार वालों का इलाज करवा सके। इसीलिए जानी साहब ने यहाँ पे अस्पताल की सुविधा दी, सिविल हॉस्पिटल और कैंसर हॉस्पिटल की सुविधा। ये सुनने में बहुत ही छोटी सी चीज लगती है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जब आप अपने बुजुर्गों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 15 सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है। क्योंकि किसी भी देश का, या यूं कहें किसी भी शहर और गांव का विकास तभी होता है जब वहां पे स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं में विकास होता है। तो 15 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा विकास हुआ है हमारे फाजिलका में, और आगे भी होगा। वो कब होगा? जब आप सोच समझ के अपना कीमती वोट पोल करेंगे। क्योंकि ये मत भूलिएगा, भारत लोकतंत्र बहुत सी कुर्बानियों के बाद बना है, और इसके लोकतंत्र बनने के बाद आपको ये ताकत मिली है अपना प्रत्याशी खुद चुनने की। और ये रोज रोज मौका आपके पास नहीं आता है, 5 साल में एक ही बार आता है। तो अगर आप एक उज्जवल फाजिलका को देखना चाहते हैं और अपने भविष्य को और अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो सोच समझ के अपना वोट पोल कीजिए, बीजेपी को अपना कीमती वोट पोल कीजिए। धन्यवाद।